हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक फिर नए टॉपिक से। आज हम बात करने वाले हैं प्रिजम्प्टिव टैक्स के बारे में और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपकी इनकम बिजनेस इनकम 1 करोड़ तक भी है ना, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मैंने बिजनेस इनकम की बात की, टैक्स की बात नहीं की या नेट प्रॉफिट की बात नहीं की। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी जो टोटल ग्रॉस रिसीट है अगर 1 करोड़ तक है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, अगर आपने टैक्स प्लानिंग कर ली है तो। ये तो मैं बताऊंगा, साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि ये किस पे एप्लीकेबल है और ये बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं, इसका मतलब टर्नओवर के मतलब कैसे है, इस पे कैलकुलेशन कैसी होगी, किसको किसको ये बेनिफिट मिल सकता है और किसको किसको ये बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तो मैं बात करने वाला हूँ प्रिजम्प्टिव टैक्स के बारे में, जो कि एक सेक्शन 44AD है। ये कहता है आपको सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स समझने की जरूरत है, आपको टू द पॉइंट समझने की जरूरत है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है कि अगर आप बिजनेस करते हैं और आप प्रिजम्प्टिव टैक्स का मेथड अपनाते हैं तो आपको या तो टोटल अमाउंट का 6% या 8%, दो रेट है, दोनों रेट भी मैं बताऊंगा क्या है, वो सीधा निकालना है और उस पर टैक्स पे कर देना है। यानी कि मैं मानूं कि अगर मेरी इनकम 6% के हिसाब से अगर 1 करोड़ थी तो 6 लाख हो गई, 6% निकाला और उस पर जो टैक्स बन रहा है आपको पे कर देना है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये फ्लैट रेट है, इस पर किसी तरह का कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, सीए के पास भी जाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बुक्स मेंटेन आपको नहीं करना है, टैक्स ऑडिट नहीं कराना है, तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्रोफेशनल की जरूरत होगी जो कि ये कर सके। तो आज बात करते हैं कि क्या है ये सेक्शन 44AD। कहता है कि कोई भी बिजनेस हो उस पर एप्लीकेबल होगा, कोई टेंशन नहीं आपकी बिजनेस क्या है, लेकिन कुछ बिजनेस को निकाल दिया गया है। पहला कहा गया, अगर आप कमीशन और ब्रोकरेज का काम करते हैं, जैसे कि आप एजेंट हैं या इंश्योरेंस एजेंट हैं, ये बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, तो आप थोड़े से बाहर हो जाएं। दूसरा कहता है कोई प्रोफेशनल, जैसे मैं एक प्रोफेशनल हूँ, ये बेनिफिट मुझे नहीं मिला है, उनको भी बाहर कर दिया गया। तीसरा कहा गया कि कोई LLP है तो उसको भी बेनिफिट नहीं दिया, यानी इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप, उनको तो मिल सकता है लेकिन LLP नहीं मिलेगी। साथ के साथ अगर आप हायरिंग और लीजिंग का काम करते हैं, यानी कि ट्रक और उस तरह की चीज़ों को रेंट पे देते हैं, तो भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा सबको ये बेनिफिट मिलने वाला है, यानी ये अगर 4 लोगों को मैं निकाल दूं तो बाकी सबको ये प्रॉफिट मिलेगा। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है और ये 4%, ये 6% और 8% है क्या? अब एक नया अमेंडमेंट आया जिसके हिसाब से अगर कहा गया कि अगर आपका बिजनेस 100% जो पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं वो अगर डिजिटल के थ्रू है तो आपको उसका 2% का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज 8% के कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो या तो आपको 6% मिलेगा या 8% मिलेगा। अभी होता कैसे, अगर आपका कोई भी बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, किसी तरह का कोई बिजनेस है और 2 करोड़ तक का रेवेन्यू आपके पास आ रहा है, टिल 2 करोड़ उसके ऊपर है, तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आप इसका सीधा बेनिफिट ले सकते हैं, अगर या 100% डिजिटल है तो 6%, अदरवाइज 8% के कैटेगरी में आप आएंगे। आपको फ्लैट 8% निकालना है, 2 करोड़ पे 16 लाख, और उस पर टैक्स पे कर देना। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करना है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है और टेंशन नहीं लेना टैक्स ऑडिट का भी, आपको आप उससे भी बाहर हो जाइएगा अगर आप प्रिजम्प्टिव टैक्स लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि 1 करोड़ पे, ऐसे तो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर 1 करोड़ तक आप काम करते हैं तो आपको इसका बहुत बेनिफिट है, कोई टैक्स नहीं है। कैसे, 1 करोड़ पे अगर 8 लाख का भी मैं मान के चलता हूं कि आप 8% के स्लैब में थे तो आपका जो टैक्सेबल इनकम हो गया 8 लाख हो गया। दिक्कत क्या है कि इसमें आपको कोई डिडक्शन का मतलब कोई एक्सपेंडिचर आप क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि मेरा नेट जो प्रॉफिट निकल के आ गया 8 लाख आ गया, मुझे कोई डिडक्शन जो चैप्टर 6 का है वो तो मिलेगा, कोई एक्सपेंसेस अलाउ नहीं किए जाएंगे। एक्सपेंसेस का मतलब कि मैंने किसी तरह का माल प्रोक्योर किया, किसी को पेमेंट दी, प्रोफेशनल हायर किया, रेंट दिया, ये कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। मैं सेक्शन में नहीं जा रहा कि कौन से सेक्शन के बीच में है, वो आपके किसी काम का नहीं, आप सीधा समझें कि अगर आपने कोई खर्चा किया है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन रेट बहुत कम है, आपको फ्लैट बुक्स नहीं बनाने, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना और ये 8% पे करना है, आप बाहर हैं। अगर मैं 1 करोड़ पे ही अगर मैं दूसरे तरीके से लेके जाऊं
अगर मैं कहूं कि आपने 1 करोड़ का इनकम जनरेट किया, 70 लाख 80 लाख का आपने एक्सपेंसेस निकाला, 20 लाख की प्रॉफिट है, आपको उस पर टैक्स देना है, तो वो रेट अलग हो गया। वहाँ पे फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, आपको देखना होगा कि आप टैक्स ऑडिट में फॉल करते हैं नहीं करते हैं, वो बहुत तरह का कॉम्प्लेक्स मामला हो जाता है। लेकिन अगर आप 2 छोटे व्यापारी हैं और इस तरह से काम करते हैं, तो आपके लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 करोड़ पे 8 लाख का आया, अगर 8 लाख पे आप 1.5 लाख का ATC में बेनिफिट ले लेते हैं, 50,000 NPS में ले सकते हैं, अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो वो भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तब आप देखेंगे इफेक्टिवली आपका जो इनकम है वो तो 4 लाख के नीचे आ जाएगा, और 5 लाख तक तो ऐसे भी फ्री है, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करें तो आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है 1 करोड़ तक। लेकिन ये पहले दिन ही सोचना होगा कि आपको किस तरह से इसका बेनिफिट लेना है। इसमें जो सबसे और खासियत क्या है कि आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करने, ऑडिट नहीं कराना, और किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पे आप आराम से 44AD का बेनिफिट ले सकते हैं, और 2 करोड़ तक के टर्नओवर तक आप इस नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स पे करके आप फ्रीडम के साथ काम कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट इस केस में बहुत ज़्यादा क्वेरी नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है कि आप जब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते और प्रिजम्प्टिव टैक्स लेते, तो गवर्नमेंट ही आपको फ्रीडम देता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बना रहे, तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको लिबर्टी जरूर मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका मिस यूटिलाइजेशन कर दें या किसी तरह की ऐसी चीज़ें कर दें जो कि आप कह सकते हैं कि लॉ को आप ब्रेक करने की कोशिश करें, तब ये प्रॉब्लम कर सकता है। अदरवाइज जनरली ये बहुत अच्छा और कूल सेक्शन, इसको कूल सेक्शन भी आप बोल सकते हैं, जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 44AD छोटे व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं और आप किसी तरह की परेशानी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, साथ के साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न भी हो तो आप क्वेरी करके नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी डालें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और ये सेक्शन का फ़ायदा यह है कि आपको टेंशन नहीं लेना, पैसे की खर्च कम है, और छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूले। साथ के साथ अगर आपके सर्कल में कोई इस सेक्शन के अंतर्गत आता है या व्यापार करता है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, उनको ये इससे टैक्स सेविंग प्लस उनकी कॉस्ट को कम करने में फ़ायदा आएगा। साथ के साथ हम फायर टीवी और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी जाके हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं हिमांशु कुमार, अब धन्यवाद, थैंक यू।